हेलो एवरीवन, स्वागत है आप लोगों का मेरे यूट्यूब चैनल लर्न विद दितिमन में। एकलव्य मॉडल आवासीय विद्यालय शिक्षक भर्ती के एप्लीकेशन फॉर्म स्टार्ट हो गए हैं, पीजीटी, टीजीटी, नॉन टीचिंग स्टाफ, होस्टल वार्डन एंड प्रिंसिपल के। तो कुल मिलाकर अभी 80,000 में से 11,000 परमानेंट पोस्ट आ चुकी हैं। फॉर्म भरने से पहले आपको जो है वो एक मिस्टेक नहीं करनी है, और ये बहुत बड़ी मिस्टेक है। यदि आपने ये गलती कर दी तो आपका फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा, जैसे कि पिछली बार हुआ था। बच्चों के एडमिट कार्ड भी नहीं आ पाए थे। उसकी वजह क्या थी कि कुछ बच्चों ने जो है वो नोटिफिकेशन ढंग से नहीं पढ़ा और फॉर्म फिल कर दिया। तो चलिए मैं आप लोगों को नोटिफिकेशन जो है वो दिखा देती हूँ। ये जो है टीजीटी का है, और यहां मैंने आपको एप्लीकेशन फॉर्म में ये सारी चीजें बता दी थी कि 18 अगस्त तक जो है वो आप फॉर्म भर पाएंगे। यहां अगर आपने गलती कर दी, जैसे टीजीटी के लिए 1500 रुपए फीस है, होस्टल वार्डन के लिए 1000 रुपीज है, तो ये आपके बिल्कुल वेस्ट हो जाएंगे। एडमिट कार्ड भी नहीं आएगा अगर आपने ये गलती की। यहां पर जो है आप लोग 1 और 2 जो नंबर है इसको ध्यान से जो है वो पढ़ें। कैंडिडेट आर रिक्वायर्ड टू अप्लाई थ्रू ऑनलाइन मोड ओनली फॉर द पोस्ट एज पर द एडवर्टीजमेंट या वैकेंसी सर्कुलर। द एप्लीकेशन फॉर्म इन एनी अदर मोड विल नॉट बी एक्सेप्टेड। एक तो यहां पर यह है कि ऑनलाइन जो है वो आपका यहाँ एप्लीकेशन फॉर्म फिल होगा, ठीक है, और किसी भी तरीके दूसरे तरीके से एक्सेप्टेड नहीं किया जाएगा, ठीक है। सेकेंड नंबर जो है इसका पॉइंट जो कि ध्यान से देखना है, अ कैंडिडेट मे अप्लाई फॉर मोर देन वन पोस्ट इफ ही एंड शी इज एलिजिबल। अगर कोई कैंडिडेट जो है एक से अधिक पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहा है फॉर्म, तो वह एलिजिबल है। जैसे कि किसी बच्चे ने टीजीटी के लिए जो अप्लाई किया है और उसका जो है पीजीटी का भी सब्जेक्ट है, तो पीजीटी के लिए भी अप्लाई कर दिया, तो यहां पर वो एलिजिबल है, ठीक है। अलग अलग फॉर्म के लिए अलग अलग फीस जो है रखी हुई गई है। इन सच केसेस द कैंडिडेट विल हैव टू पे द रिक्वेस्टेड फी सेपरेटली फॉर ईच पोस्ट एज एप्लीकेबल। तो अलग अलग पोस्ट के लिए अलग अलग जो है वो फीस यहाँ पर आप लोगों को जमा करनी होगी। हाउएवर फॉर टीजीटी पोस्ट एलिजिबल कैंडिडेट कैन अप्लाई फॉर वन या सिंगल सब्जेक्ट ओनली। लेकिन इस चीज को जो है वो आपको ध्यान में रखना है, ये बहुत जो है वो बड़ी चीज है जिसको बच्चे ध्यान में नहीं रखते हैं। मान लीजिए यहाँ पर अलग अलग पोस्ट के लिए तो आप लोग जो है वो अलग अलग फॉर्म फिल करेंगे, एक ही कैंडिडेट कर सकता है, जैसे कि एक टीजीटी के लिए कर लिया, एक जो है वो पीजीटी के लिए कर लिया, या फिर कोई स्टूडेंट एक टीजीटी के लिए जो है कोई सब्जेक्ट में अप्लाई कर रहा है और दूसरा लैब अटेंडेंट में भी कर रहा है, क्योंकि वहां पर भी 12th और कंप्यूटर मांगा गया है, ठीक है। तो यहाँ अलग अलग पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन कोई एक कैंडिडेट जिसका टीजीटी पोस्ट में हिंदी भी है उसका और संस्कृत भी है, या हिंदी भी है और इंग्लिश भी है उसके, तो दोनों में ही अप्लाई करना चाहता है, तो वह अप्लाई नहीं कर सकता है, ठीक है। यहां पर दोनों ही फॉर्म जो है उसके रिजेक्ट हो जाते हैं, आपका एडमिट कार्ड भी नहीं आएगा और आप तैयारी करते ही रह जाएंगे। तो ये फॉर्म फिल करने से पहले ये चीज बहुत ही ज्यादा जरूरी है। ऐसा ही पीजीटी के जो एडवर्टीजमेंट है उसमें लिखा गया है, तो ये चीज जो है वो ध्यान देनी है आपको, और इस चीज को जो है वो बिल्कुल दिमाग में रखना है कि अगर टीजीटी के लिए आप लोग अप्लाई कर रहे हैं या पीजीटी के लिए अप्लाई कर रहे हैं, तो हर एक पोस्ट के लिए आप एक ही आवेदन करेंगे, ठीक है। टीजीटी में अगर आपके साइंस भी सब्जेक्ट में आप लोग एलिजिबल हैं, मैथ में भी एलिजिबल हैं, तो आप दोनों के लिए अप्लाई नहीं कर सकते, आप केवल एक के लिए ही अप्लाई करेंगे। टीजीटी पोस्ट के अंतर्गत जो है वो आप लोग एक ही सब्जेक्ट के लिए अप्लाई करेंगे। इसी तरीके से पीजीटी में भी आप एक ही सब्जेक्ट के लिए अप्लाई करेंगे। अगर आपने एक ही पोस्ट में दो सब्जेक्ट के लिए अप्लाई कर दिया, अलग अलग आवेदन कर दिया, तो आपका फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा और आपका एडमिट कार्ड जो है वो नहीं आएगा, आपके पैसे भी वेस्ट होंगे, समय भी बर्बाद होगा और आप लोगों को टेंशन भी हो जाएगी। तो ये चीज आपको समझ में आ गई होगी जो मैंने आपको बताई है। जैसे कि आप लोग अप्लाई करना चाहते हैं टीजीटी के लिए, तो टीजीटी में आप एक ही सब्जेक्ट जो है उसके लिए एप्लीकेशन फॉर्म भरेंगे। वही स्टूडेंट पीजीटी के लिए भी अगर अप्लाई करना चाहता है तो यहां पर भी एक ही सब्जेक्ट के लिए करेंगे, ठीक है। नॉन टीचिंग स्टाफ के लिए करना चाहता है तो यहां पर भी वो, यानी एक स्टूडेंट तीन पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकता है, लेकिन वह एक ही पोस्ट में दो अलग अलग सब्जेक्ट के लिए अप्लाई नहीं कर सकता है। तो यहाँ एप्लीकेशन करने के लिए जो है मेन वेबसाइट में आप न्यूज फ्लैश जो पेज है इस पर आ जाएं। यहां पर अप्लाई फॉर पोस्ट ऑफ टीजीटी, अप्लाई पोस्ट ऑफ प्रिंसिपल, अप्लाई फॉर द पोस्ट ऑफ नॉन टीचिंग स्टाफ, ठीक है, या पीजीटी, किसी में भी आपको अप्लाई करना है तो यहां पर क्लिक करेंगे आप। जैसे ही आप यहां पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने जो है ये पेज ओपन हो जाएगा। यहां पर बिल्कुल आराम से जो है वो आपको ये सभी तीनों स्टेप जो है वो फॉलो करने हैं। पहले तो आपको अप्लाई फॉर ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन, यहाँ ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कर देना है आपको, फिर फिल ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म, उसके बाद जो पेज आएगा उसमें एप्लीकेशन फॉर्म होगा आपका पूरा,
और तीसरे स्टेप में आपको पे एग्जामिनेशन फीस, ठीक है। तो तीन स्टेप में आपका ये फॉर्म फिल होगा, तो ये चीज जो है विशेष तौर पर ध्यान रखिएगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू।